अस्सलामुअलैकुम नाज़नी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल क्योंकि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज। और आज हम आपके साथ बेसिकली जौन से जो क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़ेदार सी जौन सी चिप्स होती है, जो फ्राइज़ होती है मैकडोनल्ड की, उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि वो जो सी फ्राइज़ बनती है एक्चुअल में उसका राज है क्या, और ऐसी कौन सी चीज़ की कोटिंग की जाती है कि वो इतनी क्रिस्पी और क्रंची सी जो फ्राइज़ तैयार होती है और सबको बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है और ये हम लोग आज आपके साथ जो रेसिपी इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग घर में आसानी वो जो सी मैकडोनल्ड जैसी फ्राइज़ हैं वो बना सकें। तो अब अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जौन से है आलू वो ले लिए हैं, उनको हम लोगों ने बिल्कुल उसी शेप में काट लिया है जैसे कि वो होते हैं जो हम लोग मतलब फ्राइज लेते हैं मैकडोनल्ड से, तो उसी शेप में हमने इसको काट लिया, मतलब फिंगर चिप्स जो अच्छी होती है फिंगर स्टाइल में इसको काट लिया। और यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है ये है तीन चीज़ें, ऐसा ही है ना मम्मा? हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब आप बताएं मतलब तीन चीज़ें भला कौन कौन सी इसके साथ? इसमें एक ना मैदा लिया है मैंने, कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने हम वज़न लेनी है, मतलब अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक कप आप लोगों ने चावल का आटा लिया है तो एक कप ही आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर लेना है और एक कप ही आप लोगों ने जो सा है वो मैदा लेना है। तो बहुत अच्छी से आप लोगों ने कोटिंग करनी है, जब आप इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे ना, और इसकी ये ट्रिक है कि आप लोगों ने इसको खुले तेल में या खुले घी में जिसमें आपने फ्राई करना है, हम लोग तो इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, वो आपका एक ख़ास टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए। कि दो तीन बेसिक जो सी ट्रिक्स है ना, इनकी वजह से ये जो फ्राइज़ हैं जो हम लोग को रेस्टोरेंट्स की पसंद होती है, KFC की होगी मैकडोनल्ड की होगी, ये हम लोग पसंद करते हैं, मतलब इसी वजह से करते हैं कि वो क्रिस्पी होती हैं और कोटिंग बहुत अच्छी हुई होती है। तो आप लोगों ने घी को पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़े से, मतलब अगर तो आपके पास ज़्यादा स्पेस है, आपका बर्तन बड़ा है या आप फ्रायर में बना रहे हैं तो फिर तो वो एक लैदा बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बनाना आराम से तहमल से, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी जो सी ये फ्राइज़ है ना मैकडोनल्ड स्टाइल ये तैयार हो जाएंगी। तो आज हमने आपको ये सिखा दिया, अब मतलब बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं फ्राइज़, वो लोग पसंद करते हैं, अगर इस तरह के स्टाइल में बना दें तो फिर आ जाएँ आप, बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो रही हैं। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो हमारी फ्राइज़ हैं उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोगों ने कुकिंग ऑयल के अंदर इनको बनाना है, तो ऑयल को हम लोगों ने गर्म कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग की है। और कोटिंग किस चीज़ की, क्योंकि वो बेसिक चीज़ जिसकी वजह से क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से बनती है वो आज हमने आपको बता दिया। तो इसको हम लोग धीमी धीमी आँच पर आराम आराम से इसको फ्राई करते हैं और क्रिस्पी और क्रंची बनाना है हम लोगों ने, बिल्कुल वैसी जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वो आती है, हम लोग जाके वहाँ पर खाते हैं तो बिल्कुल वैसी ही इंशाल्लाह तैयार होगी। आप लोग इसको बनाए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सी हमारी मैकडोनल्ड टाइप फ्राइज़ है वो रेडी हो गई हैं। तो कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची सी ये जो हमारी फ्राइज़ है तैयार हो गई हैं। तो हमने आपके साथ इसकी जो मेन ट्रिक है जिससे ये फ्राइज़ सही तौर पर जिस तरह हम लोग मतलब रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं वो वाली आज हमने आपके साथ ट्रिक शेयर की है कि जो कोटिंग की जाती है इसके ऊपर वो किस चीज़ की जाती है और किस तरह इसको बनाना चाहिए, घी को किस तरह गर्म करना है, अगर फ्रायर में बनाना है तो वो भी आप लोग मतलब पता होना चाहिए आपको किस तरह आप लोगों ने बनाना है। और जो ख़ास तौर पर इसकी मेन चीज़ थी जो हमने आपको कहा, बिल्कुल सेम इसकी जो शक्ल होगी जो मतलब लुक होगा बिल्कुल फ्राइज़ वैसे ही तैयार होंगे जैसे हम लोग मैकडोनल्ड की फ्राइज़ को इंजॉय करते हैं मंगवा के। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी छोटी सी आसान सी रेसिपी है अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को कुकिंग विद आज को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।